आज 26 मार्च 2023 को हम पंजाब के एक किसान हैं जो हमारे बीज उत्पादक भी हैं, जड़िया सीड फार्म, वहाँ पे आए हैं किसान वैज्ञानिक संवाद के लिए। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इन्होंने हमारी सभी प्रजातियाँ 327, 332, 370, 371, 372 लगाई हुई हैं। इसके साथ साथ मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि जो अभी 18, 24, 25 मार्च को जो बारिश हुई है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान फसल को हुआ है, और फसल में लॉजिंग है, और लॉजिंग की वजह से अगर कुछ भी नहीं होगा तो जो दाने की क्वालिटी है वो तो अवश्य रूप से थोड़ी प्रभावित होगी, और जो फसल गिरी है उसमें भी मुझे लगता है कि जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं कंबाइन से उसमें कुछ नुकसान होने की संभावना है। लेकिन ये प्रकृति है, प्रकृति के साथ ही किसान को और विज्ञान को चलना पड़ता है। तो हमारा प्रयास होगा कि हम आने वाले समय में जो ये गिरने की समस्या है प्रजातियों की, इस पे काम करें और किसानों को ऐसी प्रजाति दें ताकि वो गिरने का जो नुकसान है वो कम हो। अभी तक हमारी चिंता थी कि जो अचानक तापमान में वृद्धि होती है उससे कैसे निपटा जाए, लेकिन ये एक और नई समस्या यहाँ आई है, इससे भी हम निपटेंगे। किसान भी और वैज्ञानिक भी दोनों तैयार हैं। हम लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं है किसी भी रूप में। परिस्थिति कोई भी हो उसके साथ निश्चित रूप से फाइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे यह भी कहना चाहूँगा कि मैं आज ही सुबह मैक्सिको से लौटा हूँ, और मैक्सिको में जो प्रजातियाँ विकसित होती हैं उनको पंजाब का, हरियाणा का और पूरे देश का किसान उगाता है, और उनकी जो फसल है वो फसल हमारी फसल से केवल एक मायने में अच्छी कह सकते हैं कि उनके फार्म बड़े हैं। बाकी पैदावार के हिसाब से, लगाने के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, प्रजाति के हिसाब से हमारा देश भी काफ़ी आगे है, और मुझे खुशी है कि पंजाब इस सब मामलों में सबसे आगे चल रहा है और आगे बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।